जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों रात के 3 बजे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिसकनेक्शन अप्रोच का अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे जुआ बायोन के बारे में, जुआ बायोन के डिसकनेक्शन के बारे में और फाइनली प्रोपोज सिंथेसिस के बारे में। पीजी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक है। तो आइए जानते हैं जुआ बायोन के बारे में। इट इज अ नेचुरल टर्पीन बेस्ड कीटो एस्टर विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम वेरियस प्लांट सोर्सेज विद इट्स डायस्टेरियोमर डेट इज जुआ बायोन एंड एपी जुआ बायोन। बच्चों जो हमारा जुआ बायोन होता है ये टर्पीन बेस्ड कीटो एस्टर होता है और ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से आइसोलेट किया जाता है डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म में। इट मीन्स जुआ बायोन के दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिनको डायस्टेरियोमर बोलते हैं। एक होता है जुआ बायोन और दूसरा होता है एपी जुआ बायोन। आइए स्ट्रक्चर से क्लियर करेंगे हम। बोथ हैव स्टीरियोजेनिक सेंटर्स ऑन अ रिंग एंड द साइड चेन। बच्चों आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे दोनों डायस्टेरियोमर जो हैं ड्रॉ किए हुए हैं। ये देखिए लेफ्ट में और राइट में, एक कहलाता है एथरोजुआ बायोन या एपिजुआ बायोन, दूसरा कहलाता है थ्रियोजुआ बायोन और जुआ बायोन। इन दोनों की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फोर्थ कार्बन को और सेवन्थ कार्बन को, फोर्थ कार्बन जो है वो रिंग का कार्बन है, क्लियर हुआ ये मेंशन किया हुआ है बच्चों, और जो हमारा सेवन्थ कार्बन है वो साइड चेन का है। फोर्थ और सेवन्थ कार्बन जो है ये कायरल सेंटर होते हैं, एस्टेरिस्क बनाया हुआ है, ये इनका आर और एस कॉन्फिग्रेशन है। इन जुआ बायोन सी फोर ऑलवेज शो आर कॉन्फिग्रेशन बट सी सेवन में बी आर और एस। ध्यान रखिएगा आप देख भी सकते हैं दोनों डायस्टेरियोमर के अंदर जो फोर्थ कार्बन है रिंग वाला उसका कॉन्फिग्रेशन सेम है, फिक्स रहता है आर कॉन्फिग्रेशन, फोर्थ कार्बन आर कॉन्फिग्रेशन में रहेगा। लेकिन जो हमारा सेवन्थ कार्बन है वो वेरिएबल होता है, वो हमारा आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। अगर फोर आर सेवन एस कॉन्फिग्रेशन है तो ये कहलाएगा हमारा इरिथ्रोजुआ बायोन और एपिजुआ बायोन। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर फोर आर और सेवन आर कॉन्फिग्रेशन है आपके जुआ बायोन का, तब उसका नाम होगा थ्रियोजुआ बायोन और जुआ बायोन। इट्स सेवन एस फॉर्म इज नोन एज एपिजुआ बायोन विच शोज सेलेक्टिव जुवेनाइल इंसेक्ट हार्मोन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फोर और सेवन कार्बन पे स्टीरियो सेंटर्स पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा फोर आर सेवन एस कॉन्फिगरेशन वाला जो जुआ बायोन होगा ये स्टीरियो आइसोमर एपिजुआ बायोन कहलाता है। और बच्चों इसका जो रोल होता है वो जुवेनाइल इंसेक्ट हार्मोनल एक्टिविटी ये शो करता है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं कि जुवेनाइल इंसेक्ट हार्मोनल एक्टिविटी क्या होती है, तो बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा मच्छर होता है आप जानते हो गंदे पानी में पैदा होता है और फिर वहां से लार्वा जो होता है वो एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट होता है ना। तो अगर आप एपिजुआ बायोन वहां पे डाल देते हैं ऐसे पानी में, तो वो कभी भी लार्वा जो है वो एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। यानी कभी भी छोटा मच्छर लार्वा जो है वो बड़े मच्छर में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे रोल को, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं जुवेनाइल इंसेक्ट हार्मोनल एक्टिविटी, जो दिखाता है कौन, एपिजुआ बायोन। अब बात करेंगे डिस्कनेक्शन ऑफ जुआ बायोन की। बच्चों जुआ बायोन के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एफजीआई यूज होने वाला है। एफजीआई आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। आइए देखते हैं, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं डिस्कनेक्शन में हम लोग एफजीआई यूज कर रहे हैं। एफजीआई का मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है सिंपल इक्विवेलेंट पेरेंट कंपाउंड के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेरेंट कंपाउंड है इस कंपाउंड के लिए। एफजीआई का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शनल ग्रुप को इक्विवेलेंट सिंपलर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना। एस्टर का जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, क्लियर है। तो ये हमारा पेरेंट कंपाउंड है इस स्ट्रक्चर टारगेट मोलिक्यूल के लिए, और हम लोग यहाँ पे एफजीआई के थ्रू ही इसको सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे।
देख सकते हैं ये पेरेंट कंपाउंड है इस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए। अगले स्टेप में हमने फिर से यहाँ पे एफजीआई किया है। एफजीआई जो हमने यहाँ पे किया है तो दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज होंगे। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप का जो पेरेंट सिंपलर फंक्शनल ग्रुप होता है वो नाइट्राइल ग्रुप होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो जो ये कीटोनिक ग्रुप आप देख रहे हैं इसका पेरेंट ग्रुप जो है पेरेंट फंक्शनल ग्रुप वो एसिटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे दो जगह चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा इस एफजीआई के थ्रू। ये इसका पेरेंट कंपाउंड है इस स्ट्रक्चर के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एफजीआई यूज किया है। अब आप देखिए एफजीआई के थ्रू कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए बच्चों इस स्ट्रक्चर का ये पेरेंट कंपाउंड है तो आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे तीन जगह चेंज हुआ है, नाइट्राइल, ये देखिए अनसेचुरेट साइट, एल्किन साइट, और ये हमारा एसिटाइल ग्रुप, ये तीनों कन्वर्ट हो गए हैं एफजीआई के थ्रू। तो देखिए नाइट्राइल ग्रुप और अनसेचुरेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारा कीटो ग्रुप में, और एसिटाइल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो गया अपने पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं डिस्कनेक्शन से ये कैसे अपने पेरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एफजीआई किया है। ये स्ट्रक्चर इसका पेरेंट कंपाउंड है। पेरेंट कंपाउंड कैसे है सर? देखिए यहाँ पे अनसेचुरेशन है, हमने एफजीआई रिडक्शन लिया हुआ है। इस एफजीआई के थ्रू ये इसका पेरेंट कंपाउंड है। अगर आप इसको उल्टा करें तो इन दोनों का रिलेशन आप देख सकते हैं कि जो आप दिखा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। देखिए कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है सिवाय एक साइट के, तीन एक्टिव साइट है, कीटोनिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन चेंज केवल डबल बॉन्ड पर हुआ है। अगर आप इसको एरो को उल्टा कंसिडर करेंगे तो, अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, सैचुरेट साइक्लोहेक्सानोन में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर का पेरेंट कंपाउंड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमने एफजीआई किया हुआ है। एफजीआई में हम लोग इस स्ट्रक्चर के फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे सिंपलर इक्विवेलेंट पेरेंट फंक्शनल ग्रुप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो देखिए, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जो है वो मिथोक्सी में कन्वर्ट हो गया है, और दूसरा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे अनसेचुरेशन बढ़ गया है, इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डेरिवेटिव में। क्लियर हुआ आपको? अगले स्टेप में चलते हैं और देखते हैं इसका पेरेंट कंपाउंड कैसे मिलेगा। देख सकते हैं हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर का एफजीआई किया। एफजीआई से हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे केवल एक जगह चेंज हुआ है कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया है अपने पेरेंट कंपाउंड एल्डिहाइडिक में। क्या ये क्लियर है आपको? यहाँ पर जो चेंज हुआ है केवल एल्डिहाइडिक साइड पे हुआ है, इसका पेरेंट कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। क्लियर है? तो ये हमारा पेरेंट कंपाउंड आ गया है इस स्ट्रक्चर के लिए। अब फिर से एफजीआई किया है और आप जानते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो का पेरेंट कंपाउंड जो है यहाँ पर वो एस्टर ग्रुप होगा, आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग करेंगे लास्ट एफजीआई जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में, सिंपलेस्ट पेरेंट कंपाउंड में, एंड डेट विल बी स्टार्टिंग मटेरियल। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा एस्टर लिंकेज था उस पे एफजीआई हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो गया है कीटोनिक ग्रुप में। क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो ये बन गया हमारा सिंपलेस्ट पेरेंट कंपाउंड फॉर द गिवन टारगेट मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है फोर मिथोक्सी एसिटोफिनोन। ध्यान रखिएगा फोर मिथोक्सी एसिटोफिनोन जुआबायोन का स्टार्टिंग सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है। तो इससे हम लोग करेंगे क्या? प्रोपोज सिंथेसिस। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। बच्चों ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर मिथोक्सी एसिटोफिनोन जो हमको डिस्कनेक्शन से मिला था। यहाँ पे दो कंडीशन ये अप्लाई करते हैं जिससे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप ये कन्वर्ट हो जाता है एस्टर ग्रुप में। क्लियर है? अगले स्टेप में ये हम लोगों ने चार कंडीशन अप्लाई किया हुआ है। वन पोर्ट सिंथेसिस है बच्चों, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा एस्टर लिंकेज है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। जो अगले स्टेप में हमने एल्डिहाइड कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया जिससे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोक्सी ग्रुप में, और यहाँ पर ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये भी चेन यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये चेन जो हो रहे हैं जो
यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इनको कंसिडर जरूर कीजिएगा ताकि आप इजिली इसको याद कर पाए। इस टाइम बच्चों दो कंडीशन लगाई हुई है, पहली कंडीशन जो है वो बेस रिडक्शन के लिए होती है और दूसरी रिएक्शन एसिडिफिकेशन के लिए होती है, इनोलाइजेशन होगा। यहाँ पे दो स्टेप होते हैं, तो बेस रिडक्शन और इनोलाइजेशन से चेंजेस क्या होगा कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये जो तीन डबल बॉन्ड बेंजीन के थे उसकी जगह केवल एक डबल बॉन्ड बचेगा। तो अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, जिससे यहाँ पर ये जो अनसेचुरेशन था ये सेचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं आता है। अगले स्टेप में हम लोगों ने तीन कंडीशन मेंटेन की हुई है, आप इनको देख सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है और जो कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पर चेंजेस आते हैं, ये हमारा एसिटाइलेशन हो जाएगा इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का, आप देख पा रहे हैं, और जो यहाँ पे हमारा कीटोनिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइल में। क्लियर हुआ, और यहाँ पे अनसेचुरेट नाइट्राइल हमको मिल गया है। बच्चों अगले स्टेप में वन पोर्ट सिंथेसिस के अंडर हम लोग यहाँ पे चारों कंडीशन को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। यहाँ पे चेंजेस दो जगह पे होते हैं, नाइट्राइल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में और यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोनिक सेंटर पे, और यहाँ पे दो स्टीरियोजेनिक, ये फोर्थ कार्बन है और ये आपका सेवंथ कार्बन है, याद आया ना आपको, ये दो काइरल सेंटर मिल जाते हैं और ये बन गया है फिर से हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो जो आज हमने जाना जुआ बायोन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि उसका रोल क्या है, जुवेनाइल हार्मोनल की तरह यूज करते हैं उसको, फिर हमने जाना डिस्कनेक्शन के बारे में, डिस्कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफजीआई यूज हुआ है, उसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे कहां पर जो चेंज हो रहा है उस चेंज को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है और फाइनली सिंथेसिस तो आप कर ही लेंगे जब आपको स्टार्टिंग मेटेरियल मिल जाएगा डिस्कनेक्शन के थ्रू। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।